नेपरा बिजली की कीमत में शुरुआती तौर से 5 रुपया फी यूनिट वाध की मंजूरी दी छी। नेपरा मौजूद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त से कतई फैसले बाद में कराया वो सीपीपीए फेबरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4.99 रुपया पैसा वाध घुरी हुई। कीमत में वाध से वाहपेदार जीएसटी समेत 40 अरब रुपये जो बार पवंद। सिंध के गवर्नर कच्चे के धाड़ेल के आईटी कोर्स कराने की आच करे छी। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे गवर्नर सिंध कमरान टिशोरी ऐलान किया तो हैदराबाद में आईटी यूनिवर्सिटी कायम कई वेंदी। कमरान टिशोरी चयो तो धाड़ेल बारन समेत आईटी कोर्स करण लाए गवर्नर हाउस हलिया अचन। वजीर आजम ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के मुदाखलत बाबत इल्जाम में इंक्वायरी कमीशन जोड़ने जो फैसलो। कानून वाले वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ बुधायो तो वजीर आजम चीफ जस्टिस के चयो तो मामले की जांच करण हुकूमत जो फर्ज है। मामलो सुभाने काबीना के इजलास में आंदो वेंदो। कोशिश कई वेंदी तो साख रखंदड़ रिटायर्ड अदालती शख्सियत की सरबराही में कमीशन जोड़ी वे। वजीर आजम के चीफ जस्टिस के अदलिया की आजादी से का भी सौदेबाजी न करने की खातिरी। वफाकी वजीर चयो तो जजिस जो खत मिसकंडक्ट है या न यो मामलो अदलिया से छूँ था। वजीर आजम चयो तो अदालती मामलों में कें भी इदारे की मुदाखलत न होने घुर्जे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजन के खत के मामले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत हेठ फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजन शिरकत कई। इजलास तकरीबन 2.5 कलाकन तक जारी रो। जरिए मूजिब फुल कोर्ट इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजन के खत से गौर किया वो जजन के खत के आइनी और कानूनी हैसियत जो जायजो वरतो वो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजन तरफा कुछ इदारों के अदालती मामलों में मुदाखलत बाबत खत से फुल कोर्ट इजलास तलब किया वो हो। सदर आसिफ अली सरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। बेतरफे अहमियत के मामलों के ख्याल की देवट। सदर पाकिस्तान बरतानिया विच में व्यापार इकतसादी लागापन के सघारो बनाने की जरूरत से जोर दिनों वो। आसिफ अली सरदारी है तो पाकिस्तान बरतानिया विच में खुशगवार लागापा पाक बरतानिया लागापन के आला सतही राबतन अवामी लागापन से तकवीत मिले थी। मईशत जो इस्तेहकाम अवलिन तरजीह है। रोजगार का मौका पैदा कर गुर्बत के खात्मे से ध्यान दिनों वो। बशाम वाक़े की मुकम्मल जांच कई पी वे। हमलों पाक चीन दोस्ती की दुश्मन कयो। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करे तो। दहशतगर्दन के कटहड़े में आने पुरजम आई। परदेही ऑफिस की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तेवार न्यूज़ ब्रीफिंग चयाई पाकिस्तान हुकूमत चीन से मुकम्मल राबते में है। पाकिस्तान और चीन बई मजबूत पाड़ेसरी बाहर आन। फलस्तीन में जारी बर्बरीत खत्म थे घुर्जे। कश्मीरियन के हक़ खुद इरादियत मिलने तीन हिमायत जारी रही। मिठाणी बरसा कोट मिठा थाने की हद में नौजवान जो वण में टंगल लाश थो। 40 वरह के दगन पुट मोहम्मद रफीक सोलंगी जो बेले में वण में टंगल लाश मिलो। इतलाते पुलिस पहुंची मर जरूरी कार्रवाई लाए अस्पताल मुंतकिल करे छोड़।